भारत विश्व गुरु बन चुका है, ये सबने देख लिया है। अब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां सभी देवी देवता और 130 करोड़ लोगों की आबादी में शामिल ये लोग साफ सीधे तौर पर दिख जाएंगे। और आपको हिंदू राष्ट्र के नाम पर लगातार ऐसे लोग दिख जाएंगे जो हर जगह हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं, और देखते ही देखते ये हिंदू राष्ट्र बन भी चुका है। जी हाँ, जिस तरीके से बुलडोजर बाबा और गोदी मीडिया लगातार इस तरीके की खबरें दिखाकर आपके सामने इस तरीके का माहौल दिखा रहा है कि देश एक विश्व गुरु होने के बाद जो है हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, आज मैं इसी पर जिक्र करूंगी और चर्चा करूंगी। इससे पहले एक खबर की ओर चलते हैं, आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से देश में बाबरी मस्जिद का मुद्दा छिड़ा था, उसके बाद अब अजान, हिजाब, लाउड स्पीकर, ये सब आप देख ही रहे हैं, पर न्यायालयों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इसके पीछे जो कुछ चल रहा है आप समझ सकते हैं साफ सीधे तौर पर कि देश में किस तरीके से अब बुलडोजर तंत्र लाया जा रहा है। अभी मैं आपको इस खबर की ओर ही ले चलूंगी, जो जहां लाउड स्पीकर की बात हो रही थी, हिजाब की बात हो रही थी, अब एक और नया मुद्दा सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हाँ, एक और नया मुद्दा जो है देश में आ चुका है। सोचिए, हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पर है हमारा देश, सभी हिंदू होंगे, सब गर्व से कह सकेंगे कि हम हिंदू हैं। अब किसी को भी इस तरीके से शर्माना नहीं पड़ेगा, ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। जो दलित समाज भी है लगातार हिंदू बनने की चेष्टा में लगा हुआ है, अब वो भी आगे बढ़ता जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा देश बनने वाला है। अब ये जो तो भारत देश है, भारत देश ना होकर हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब हिंदुओं की पहल चालू हो चुकी है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। अब मैं आपको एक खबर की ओर ले चलूंगी। जिस तरीके से लगातार देश में मुद्दे उठ रहे हैं, अब एक खबर और सुन लीजिए। कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस बीच कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हिंदू संगठन के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, ऐसा मामला सामने आया है। जी हाँ, ये इसी राष्ट्र की बात हो रही है, इसी देश की बात हो रही है, ये कोई जर्मनी पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, हमारे ही देश में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब जो नया मुद्दा सामने आया है, अब कुतुब मीनार सामने आ चुका है। जी हाँ, लाउड स्पीकर से जब लोगों का मन नहीं भरा, हिजाब से मन नहीं भरा, तो अब क्यों ना नया मुद्दा ला करके देश में लोगों को भ्रमित किया जाए। अब जो है कुतुब मीनार का मुद्दा सामने आ चुका है। जी हाँ, हिंदू राष्ट्र संगठन के लोग जो हैं अड़ चुके हैं कि उसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, हम उन्हें पूजेंगे और हमें उसके अंदर घुसकर पूजा करने की जो है अनुमति दी जाए, और अब जो है उसके सामने हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिनका पेट खाने से नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने से भरता है। ये वही लोग हैं जिनकी गाड़ियां पेट्रोल से नहीं, सीएनजी से नहीं, जिनकी गाड़ियां हनुमान चालीसा के सुनने से उड़ने लगती हैं, ये वही लोग हैं। ये आखिर वही लोग हैं जो इस तरीके की मीडिया का साथ दे रहे हैं, जिस तरीके से बुलडोजर तंत्र चल रहा है देश में, उसका साथ देने वाले यही कुछ लोग हैं जो लगातार किसी ना किसी तरीके का मुद्दा सामने ला रहे हैं। अब जान लीजिए, महरौली स्थित भूल भुलैया से कुतुब मीनार तक हनुमान चालीसा पढ़ रहे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब जो है कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियां हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी में एक नाम है जय भगवान गोयल का, कि वह कह रहे हैं अपने समर्थकों के साथ जाएंगे, कुवत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाने जा रहे ढांचे को मंदिर घोषित करेंगे और उसकी मांग कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि किसी भी अन्य धर्म के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सभी मूर्तियां ढांचे से निकाली जाए और वहां एक स्थान स्थापित किया जाए जहां उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। जय भगवान वही है, हिंदू संगठन के हैं, और लगातार हिंदू संगठन के लोग इस तरीके की लगातार पूरे भारत देश में
इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। अभी तक हम सुन रहे थे अयोध्या का मुद्दा, कभी अजान का मुद्दा, कभी लाउडस्पीकर का मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा, अब जो है कुतुब मीनार भी जो है भगवान की मूर्तियों से प्रतीत होता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है। अब उसके अंदर उन्हें इतने सालों बाद जो है कुतुब मीनार के अंदर उन्हें भगवान की मूर्तियां दिख रही हैं, अब जो है उन्हें भगवान दिख रहे हैं। जय श्री राम के नारे के साथ वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, अब पूजा करने की जो है अनुमति मांगी जा रही है। आखिर किसके द्वारा किया जा रहा है, आप खुद सोचिए ये सब क्यों किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे देश को विश्व हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। अब हिंदू राष्ट्र बनाने पर जो ये तुले हैं लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप उनके पीछे की मंशा समझिए पहले। किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जहां महंगाई और रोजगारी पर बात होनी चाहिए वहीं लगातार इन मुद्दों को दबाया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के मन और दिमाग को भटकाया जा रहा है, ताकि जैसा आप देखेंगे वैसा ही आपको दिखेगा। क्योंकि आपके लिए तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, कभी शाहीन बाग बुलडोजर पहुंच जाता है, कभी जहांगीरपुरी पहुंच जाता है, कभी मंगोलपुरी बुलडोजर पहुंच जाता है। बुलडोजर की इतनी पैट होती जा रही है कि बुलडोजर ने सारी जगह कब्जे में कर ली है। अब इसी तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से देश को भी कब्जे में किया जा रहा है। एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग लगातार एक ही संगठन के द्वारा की जा रही है, उसके पीछे की आप मंशा समझिए। जिस दिन आप ये मंशा समझ जाएंगे, उस दिन आप हकीकत से रूबरू हो जाएंगे। जिस तरीके से हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं गायब करके और लगातार बुलडोजर को दिखाया जा रहा है, लगातार कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, कहीं संविधान को बदलने की बात की जा रही है, तो लगातार कहीं हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते लोग जो है मारकाट पर उतर आए हैं। जो न्यायालयों की अपनी एक भूमिका होती है, वो आखिर न्यायालय क्या कर रहे हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या कर रहे हैं, वहाँ बैठकर इस तरीके से ये सब होता हुआ देख रहे हैं। आखिर ये थाना, पुलिस और न्यायालय किस लोगों के लिए खुले हुए हैं, किन लोगों के लिए ये काम करते हैं, ये हमारे जैसी आम जनता के लिए काम करते हैं, और ये न्यायालय क्यों इस पर अपना संज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्यों आगे आकर बात नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे देश में बुलडोजर तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्यों चुप्पी साधी हुई है पूरे प्रशासन ने, आखिर क्यों चुप्पी साधी हुई है न्यायालयों ने, ये आप भी सोचिए। इस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक देखते रहिए जनहित आवाज़। नमस्कार।